तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं मैकबुक एयर M1। काफ़ी सारी डिटेल्स देने वाले हो, पूरा वीडियो स्टूडेंट परस्पेक्टिव से रहेगा, स्टूडेंट के नीड के हिसाब से रहेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अच्छी है, क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशंस हैं, सारे एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो बना, वीडियो को बिल्कुल से एंड तक देखिए। है कि मेरा नाम है जिन के लिए आप देख रहे हैं जीपी रिव्यूज, एंजॉय द इंट्रो। सो गाइस बात करते हैं बॉक्स की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलता है। जल्दी से बॉक्स को भाई हम लोग ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या हमारी चीज़ है, कैसे दिखती है भाई। तो ये हम लोग इसे ओपन कर रहे हैं और भाई इसे ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को देखने को मिलती है जो कि है मैकबुक एयर लिखा हुआ ब्रांडिंग। यहाँ पे जो बॉक्स के इमेज है वो थोड़ी सी साइड से होती है, प्रो के ऊपर भाई फ्रंट वाली इमेज होती है, ये काफ़ी थिन है, इसी वजह से साइड की इमेज हम लोगों को बॉक्स के ऊपर प्रिंट देखने को मिल जाती है। मैकबुक एयर की ब्रांडिंग है, एप्पल की ब्रांडिंग है और पीछे की साइड काफ़ी सारी डिटेल्स दे रखी है भाई, कौन सा वाला एडिशन है, कौन सा वाला मॉडल है, सीरियल नंबर मैंने हाइड कर दिया है, आप लोग प्राइसिंग वगैरह इसके ऊपर देख सकते हो। सो भाई ये है बॉक्स, जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहता है एप्पल के, जब भी हम लोग प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं तो काफ़ी इजी होता है। जस्ट भाई यहाँ पे प्लास्टिक रिमूव करने के लिए भी ये लोग दे देते हैं ऑप्शन, सो हम लोगों ने प्लास्टिक हटा दिया है। अभी बॉक्स को ओपन करते हैं और सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को ऑब्वियसली देखने को मिलने वाली है वो है हमारा मैकबुक। उसके बाद भाई यहाँ पे क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती है वो भी देख लेंगे। तो ये हमने ओपन कर दिया बॉक्स, यहाँ पे हमारा मैकबुक है स्पेस ग्रे कलर के अंदर और भाई दिखने में काफ़ी छोटा लाइट वेट हम लोगों को फील होता है कंपेयर टू भाई विंडोज़ वाले लैपटॉप, और काफ़ी प्रीमियम है यार, आप लोग देख सकते हो कलर वगैरह काफ़ी अच्छा है। लैपटॉप को साइड में रखते हैं, मैकबुक को साइड में रखते हैं, इसके अंदर यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है। यूज़र मैनुअल के अंदर और गौर से देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों को एप्पल स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन भाई इस बार एप्पल स्टिकर्स जो है वो हमारे मैकबुक के कलर वाले हैं, मतलब स्पेस ग्रे मैंने परचेस करा है तो स्पेस ग्रे वाले एप्पल स्टिकर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं और बाकी सारे जो है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर देखने को मिलता है जो हर कोई पढ़ता नहीं है भाई। आप लोगों को अच्छे से जानना है तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ सकते हो, बाकी इसको साइड में रख देते हैं और चलो देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। सो ये स्पेस ग्रे वाले स्टिकर्स है, आप लोग इसे कहीं पे भी चिपका सकते हो। ये है हमारा यूज़र मैनुअल, इसे साइड में रखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक अडेप्टर देखने को मिलता है, काफ़ी छोटा फील होता है फर्स्ट टाइम अगर आप इसे लेते हो तो, नॉर्मल मोबाइल चार्जर जैसा लगता है और भाई इससे वन प्लस वाले जो अडेप्टर होते हैं वो भी इससे बड़े होते हैं, तो ये लैपटॉप का है। फिर भी यहाँ पे हम लोगों को केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप सी टू टाइप सी केबल है, थंडरबोल्ट टू थंडरबोल्ट बोल लो या टाइप सी टू टाइप सी बोल लो, और काफ़ी लंबी केबल है और जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे आईफोन वाली केबल। तो ये देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा यार, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी कंपेयर टू आईफोन वाली केबल, अगर आप कंपेयर करते हो तो ये काफ़ी अच्छे बिल्ड के साथ आती है केबल। अभी बात करते हैं हमारे मैकबुक की, तो भाई काफ़ी लाइट वेट फील होता है, मतलब तो भाई फर्स्ट टाइम अगर आप इसे उठाते हो तो काफ़ी लाइट वेट आपको फील होगा, मतलब लगेगा नहीं कि आपने कुछ पकड़ा है, लेकिन सॉलिड है पूरा, जो मटेरियल है वो पूरा सॉलिड आपको फील होगा क्योंकि ये मेटल है पूरा। और यहाँ पर हम लोग इसे अनबॉक्स कर देते हैं, ये जो प्लास्टिक है इसे हटा देते हैं। तो भाई ये है हमारा मैकबुक, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को बिल्ड देखने को मिलेगी। एप्पल का लोगो है जो कि ग्लो नहीं होता है भाई, पुराने वाले होते थे। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले है जिसके ऊपर टिश्यू पेपर जैसा कुछ लगा हुआ है, उसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ये है सारी सेटअप वगैरह कर देता हूँ। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशंस मुझे अब तक फील हुए हैं। तो फाइनली भाई हम लोगों ने सेटअप कर दिया है, अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन से पोर्ट्स हैं। तो दो टाइप सी पोर्ट्स और एक हेडफोन जैक हम लोगों को इस मैकबुक एयर M1 के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि टाइप सी पोर्ट्स दो ही है और एक तो हम लोगों को चार्जिंग के लिए लगेगा, कोई भी यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एक पोर्ट के लिए हम लोग भाई अगर आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना है, कोई एक्सेसरीज कनेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई हब परचेस करना पड़ेगा या एडाप्टर कह लीजिए या डॉकिंग स्टेशन कह लीजिए अगर आपको कोई मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा कॉस्टली है और M1 से मतलब सपोर्टेड भी नहीं है काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के एडाप्टर्स हब्स, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके कुछ परचेस करना पड़ेगा जो कि M1 को सपोर्ट होगा। तो ऐसे अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक दो प्रोडक्ट्स डाल दूंगा, आपको अगर अच्छा लगे तो परचेस कर लेना। भी बात करते हैं भाई इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पे एक क्लिप में प्ले करता हूँ जो आप लोग देखिए भाई डिस्प्ले क्या क्वालिटी का आता है, काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं बताने से अच्छा आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि कैसी इसकी क्वालिटी है।
अभी आप लोगों ने देखा डिस्प्ले क्वालिटी इसका, अभी देख लो भाई इसके अंदर साउंड कैसा आता है। मैं अभी आपको कुछ साउंड प्ले करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आएगा भाई कि इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू बाकी सारे ऑफ मार्केट लैपटॉप्स। सो ये रहा इसका साउंड टेस्ट। सो गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग इसके अंदर साउंड काफ़ी अच्छा आता है, मतलब स्टेरियो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद भाई डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप कोई गाने भी सुन रहे हो या स्टेरियो वाला कुछ कर रहे हो तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा इस मैकबुक के ऊपर। साथ ही साथ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा भाई, हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी बढ़िया सा कैमरा दे रखा है फ्रंट वाला, मतलब 720p के अंदर आपकी क्वालिटी आएगी। और अगर आप एम्बियंट रूम कंडीशंस के ऊपर हो तो भाई आपकी क्वालिटी तो क्या ही, मतलब यहाँ पे मैं अपनी क्लिप डाल दूंगा इसके इससे रिकॉर्ड करी गई। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो वीडियो है ये मैकबुक के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है। साथ साथ भाई जो माइक्रोफोन यूज़ किया गया है वो भी मैकबुक का इंटरनल माइक्रोफोन है, तो आपको दोनों की क्वालिटी समझ में आ रही होगी भाई कैसी है। और ये जो वीडियो है भाई यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स है, तो लाइटनिंग कंडीशन के अंदर आप लोग ये क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर लाइट्स कम है तो आपको क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा इस मैकबुक के फ्रंट कैमरा से, तो ये समझ लेना भाई लो लाइटिंग कंडीशन अगर है तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। बाकी आप लोग समझ सकते हो भाई कि क्या क्वालिटी आ रही है। उसके बाद भाई इसके अंदर भाई टच आईडी देखने को मिलती है, मतलब इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है अपने पावर बटन के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे कीबोर्ड को थोड़ा सा अपग्रेड करा गया है जो कि मैजिक कीबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और ये मतलब अभी आवाज भी करता है थोड़ा बहुत, तो ये मुझे काफी पसंद आया ये वाला कीबोर्ड। और भाई यहाँ पे आप लोगों को फंक्शंस की भी देखने को मिलती है इस वाले कीबोर्ड के अंदर, नम कीज वाला कीबोर्ड नहीं है, फुल साइज नहीं है, हाफ साइज कीबोर्ड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं भाई तो ये पूरा एल्युमिनियम की बेड के साथ आता है और इसका टच बार भी काफ़ी बड़ा दे रखा है, तो आप लोग इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। और भाई इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगेगी, 14 टू 15 आवर्स का ये बैटरी बैकअप दे देता है। जी हाँ गाइस 14 टू 15 आवर्स का ये बैटरी बैकअप देता है एक चार्ज के ऊपर, और एक चार्ज करने के लिए सिंगल चार्ज 0 to 100 करने के लिए 2.5 से 3 घंटे का ही समय लगता है, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो भाई इसकी बैटरी लाइफ, मतलब बीस्ट है। इससे ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको प्रो के अंदर देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर। अभी मैकबुक एयर M1 की बात करते हैं तो भाई इसका परफॉर्मेंस तो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया सा मिलेगा। साथ ही साथ भाई इसके साथ आपको फ्री एयरपॉड्स भी मिलेंगे अगर आप लोग एप्पल की वेबसाइट से परचेस करते हो, और वो भी स्टूडेंट ऑफर में परचेस करते हो तो स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही साथ फ्री वाले एयरपॉड्स भी मिल जाएंगे जो कि सेकंड जनरेशन वाले हैं। अभी भाई पोर्टेबिलिटी की बात ही क्या करूँ, ये काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी थिन आपको देखने को मिलता है, आप लोग देख ही सकते हो क्या इसकी थिकनेस है, तो भाई काफ़ी अच्छा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा पोर्टेबिलिटी के मामले में, और काफ़ी स्ट्रांग फील करता है, ऐसा नहीं है भाई कि मतलब टूट जाएगा थिन है तो, बिल्कुल से नहीं, काफ़ी स्टडी लैपटॉप है, आप लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, रफ यूज़ भी करोगे तो कोई मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं आएगी। और भाई ये है कुछ इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, और थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया, इसका हम लोग इन डेप्थ रिव्यू करेंगे जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, 16GB रैम लेनी चाहिए या हम लोगों को स्टोरेज अपग्रेड करानी चाहिए, सारी चीज़ों के भाई आपके जो भी सवाल है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से पूछ लो, आने वाले वीडियोज़ के अंदर सारे कवर करूँगा, जो भी आपको डाउट है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगे। तो ये था कुछ भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इस मैकबुक एयर M1 का, जो कि मैंने ऑफर के अंदर परचेस किया है बिल्कुल से। ओवरऑल कॉस्ट मुझे लगी है इसकी 1,01,000 रुपीज़ के आसपास, जिसके साथ मुझे फ्री एयरपॉड्स मिले हैं और मैंने 16GB रैम वाला वेरिएंट परचेस करा है, बेस्ट स्टोरेज इसके साथ 240-250GB हम लोगों को मिलती है। तो भाई यही था कुछ वीडियो, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए वीडियोस के लिए। आई एम अजिंक्य कोहली साइनिंग ऑफ, सी द नेक्स्ट वीडियो, होप एंजॉय दिस।